देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर चंदौली से है। चंदौली जनपद के चकिया निगृहित तहसील अंतर्गत साहिबगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को कप प्लेट पर वोट देने के लिए आह्वान किया। जनता ने हाथ उठाकर कप प्लेट पर वोट देने का अभिवादन किया। ऐसे अवसर पर अपार्जन सलाब उमड़ पड़ा। और आपको बता दें, क्योंकि रक्षा मंत्री को सभी यहां जनपद वापसी देखना चाहते थे, रावर्सगंज लोकसभा प्रभारी रामप्रकाश द्विवेदी, संयोजक रमरीश पटेल, चकिया विधायक कैलाश आचार्य चंदौली के लिए, जिला अध्यक्ष भाजपा काशीनाथ सिंह, वी किसान मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा सहित हजारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस चिलचिलाती धूप में भी जनसैलाब का आना विरोधियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नेताजी, आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं आपके साहबगंज चकिया तहसील अंतर्गत, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? माननीय रक्षा मंत्री जी इसी तहसील के निवासी हैं। एक अपनत्व की भावना यहाँ के जनता का रहता है माननीय जी के साथ, कि हमारे घर के, हमारे परिवार के हैं। तो बहुत काफ़ी जनता में उत्साह है कि आज हम लोगों के घर का बेटा लाल, जो इतने बड़े पोस्ट पद पे हैं, वो आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। लोग यहाँ आज पूरे में भी आ रहे हैं। ये देखिए, अपनत्व का यही महत्व होता है। परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। रुकमणी दुबे जी, आज आपके साहबगंज में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता पे इनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और चंदौली हम लोग 400 पार दोनों सीट जीत के करेंगे, इसमें कोई दो राय। अपना परिचय बताएं। ओम प्रकाश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष, साहबगंज चंदौली। साहबगंज में माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इसको किस नजर से देख रहे हैं? उनके आने से यहाँ जो है जनता ज्यादा आएगी और वोट की बढ़ोतरी होगी। परिचय बता दें हमारे दर्शकों को। मैं गौरव श्रीवास्तव, चेयरमैन नगर पंचायत चकिया। चकिया के क्षेत्र में आपके नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत तहसील अंतर्गत माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इनको लेकर क्या विचार होगा हमारे क्षेत्र में? माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये गृह जनपद है और गृह क्षेत्र यहाँ के माटी के लाल है। जनता में बहुत उत्साह है, इनके आने से पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल जाएगा। परिचय बताइए। मैं पवन सिंह, भाजपा नेता, चकिया। जी पवन जी, आज राजनाथ जी आ रहे हैं साहबगंज क्षेत्र में, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? आज माननीय राजनाथ सिंह जी का यह गृह जनपद है। हम लोग बड़ी उत्साह और वर्धन के साथ बहुत प्रसन्न हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी यहाँ के क्षेत्रवासी, कि हम लोग के बीच में माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है। और जो यूपी में 80 लोकसभा सीट का जो नारा दिया गया योगी और मोदी जी के नेतृत्व में, हम लोग सभी 80 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। सर, माननीय राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी आपके चकिया में आ रहे हैं, इसको आने से रावर्सगंज लोकसभा और चंदौली लोकसभा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा बताएं? पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं वहाँ पर अपनी अमिट छाप छोड़कर जाते हैं, और उनके आने से चकिया और चंदौली में हम लाखों वोटों से ऊपर जीतने जा रहे हैं।